अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले के मामले में मुफ्ती अब्दुल कयूम को पोटा के तहत पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। अपनी जिंदगी के बेशकीमती 11 साल जेल में बिताने वाले मुफ्ती अब्दुल कयूम ने अब अपनी जिंदगी के सबसे खराब दौर पर किताब लिखी है। मुफ्ती अब्दुल कयूम अपने मदरसे में फिर से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिंदगी ने उन्हें जो सबक दिए वो काफी अलग किस्म के हैं। 2003 में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उन पर 2002 के अक्षरधाम हमले की साजिश में शरीक होने का आरोप लगा था। कहा गया कि मारे गए फिदाइन के पास उर्दू में लिखी उनकी एक चिट्ठी मिली है और उन पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप भी लगा। पोटा के तहत उन्हें फांसी भी सुना दी गई, लेकिन बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह बताते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। कयूम कहते हैं, न उनके दिन लौटेंगे, न उनके बच्चों का बचपन और न उनके पिता की जिंदगी। इन लोगों ने मुझसे पहले स्टोरी तैयार कर रखी थी कि बवाई हॉल कैंप की और इस तरह रिलीफ कैंप जितने हैं उन कैंपों की वीडियोग्राफी कैसेट है, वहां पर लोगों ने देखी सऊदी में, और उसमें अहमदाबाद के भी लोग थे, हैदराबाद के भी लोग थे। वो यहाँ की वीडियो कैसेटें देखने के बाद उनके अंदर एक जोश, एक जज्बा, बदले की भावना जागी। गिरफ्तारी के वक्त मुफ्ती कयूम का ये 12 साल का बेटा बस 10 महीने का था। उसके साथ अपने 5 साल के एक और बेटे को लिए उनकी बीवी बेतहाशा लड़ती रही। उन्हें पुलिस या जुल्म से भी लड़ना पड़ा, समाज की बदनामी से भी। स्कूटर पर भी जो के कसे भी जो के पाछड़े ना आगड़े ना पप्पा बैठे ना थे, तो मैंने आगर जो तो जीव भरे के मारा बच्चा ना कोई नहीं है, हमने तो आसाद नहीं, એટલે અમને એવું થાય કે જાણે કે ના પપ્પા નથી, સ્કૂલે મૂકવા જઈએ તો બધાના પપ્પા આવે, તો આ બચ્ચા પૂછે કે પપ્પા અબ્બુ ક્યારે આવશે, અબ્બુ ક્યારે આવશે। મુફ્તી કયુમ 11 સાલ જેલ મે રહે, ઇસ દોરાન પિતા કા ઇન્તકાલ હુઆ, લેકિન 1 ઘંટે કી પેરોલ ભી નહીં મિલી। અબ ઉન્હોને 11 સાલો કી કહાની લિખી હૈ, એક પૂરી કિતાબ જો 16 અપ્રેલ કો લોકાર્પિત હોગી। વો કહેતે હૈ ઉનકા જો ગયા સો ગયા, લેકિન અગર ઉનકી કિતાબ કુછ લોગો કો બચા સકે तो वो इसे अपनी कामयाबी मानेंगे। अहमदाबाद से कैमरामैन प्रमोद के साथ राजीव, एनडीटीवी इंडिया के लिए।